हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिपी पहाड़ी में। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे जागेश्वर धाम, जो हमारी आइटिनरी में आता है। और चलिए देखते हैं, जागेश्वर धाम चलते चलते इसके बारे में जानते हैं, इसके इतिहास के बारे में जानते हैं और क्या अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं। तो चलते हैं सीधे जागेश्वर की ओर, हमारे रामगढ़ सनराइज होम स्टे से। हमारे होम स्टे की रिगार्डिंग आप सारी इन्फॉर्मेशन हमारे नीचे दिए गए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करता हूँ, जिसमें हमारे पूरे होम स्टे की वीडियो है पर्टिकुलर। तो चलिए अपने आइटिनरी की तरफ चलते हैं सीधे जागेश्वर और डिस्कस करते हैं आज इस वीडियो में जागेश्वर के बारे में। जागेश्वर धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित है और रामगढ़ से सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है, जो लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तराखंड में बहुत सुंदर पहाड़ों के बीच बसा जागेश्वर प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक पवित्रता और सांस्कृतिक विरासत का खजाना है। अपने प्राचीन मंदिरों, हरे भरे जंगलों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध जागेश्वर दूर दूर से तीर्थयात्रियों, प्रकृति प्रेमियों और इतिहास के शौकीनों का आकर्षित करता है। तो फाइनली वी आर इन जागेश्वर और अब करते हैं दर्शन। यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट अच्छे टाइम पे पहुँच चुके हैं और बढ़िया से दर्शन करते हैं। तो चलते हैं सीधे जागेश्वर। जागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग अष्टम ज्योतिर्लिंग में से एक के रूप में जाना जाता है। कई पारंपरिक शास्त्रों में इसे 12 मूल ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। इसे देवताओं की घाटी के रूप में भी जाना जाता है और इसके पूर्ण निर्माण के विभिन्न रूपों में 7वीं से 14वीं शताब्दी तक का इतिहास है। माना जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने किया था। कैलाश मानसरोवर मार्ग पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए यहाँ रुकना और भगवान शिव की पूजा करना और उनका आशीर्वाद लेना प्रथागत था। यह क्षेत्र भगवान शिव की पूजा करने वाले एक संप्रदाय लकुलीश शिव धर्म का भी केंद्र था। संत लकुलीश, जिसका शब्दार्थ है गदाधारी भगवान, एक घुमक्कड़ तपस्वी थे, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने विभिन्न संप्रदायों को एकजुट किया और भगवान पशुपति की पूजा को पूर्ण जीवित किया। यह धर्म बाद में दक्षिणी और मध्य भारत में भारशिव और वाकाटक राजवंशों के अधीन फला फूला। संत लकुलीश के बाद में आने वाले तीर्थयात्रियों ने लकुलीश को भगवान शिव के 28वें अवतार में से अंतिम अवतार माना, जैसा कि पुराणों में उल्लेख किया गया है। इसे ASI के तहत एक विरासत स्थल माना जाता है। जागेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? जागेश्वर भगवान शिव को समर्पित 124 प्राचीन हिंदू मंदिरों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध है, जो न केवल वास्तुशिल्प रूप में महत्वपूर्ण है बल्कि अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व भी रखते हैं। इसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है, जो भगवान शिव के एक पवित्र प्रतिनिधित्व है, जो इसे भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाता है। वास्तुकला का चमत्कार, मंदिरों में उल्लेखनीय पत्थर की नकाशी और जटिल वास्तुकला प्रदर्शित होती है, जो क्षेत्र के समुद्र सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद राजवंश के साथ शहर के ऐतिहासिक संबंध इसकी प्रसिद्धि में और वृद्धि करते हैं, क्योंकि उन्होंने इन मंदिरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जागेश्वर धाम परिसर में मंदिर। परिसर के अंदर करीब 125 मंदिर और 174 मूर्तियां हैं, जिनमें भगवान शिव और पार्वती की पत्थर की मूर्तियां शामिल हैं, जो गहनों से सजी हुई हैं। इनमें मुख्य मंदिर जागनाथ, ज्योतिर्लिंग, महामृत्युंजय मंदिर, हनुमान मंदिर, सूर्य मंदिर, नीलकंठ मंदिर, नवग्रह, नवग्रहों को समर्पित मंदिर, पुष्टि माता मंदिर, लकुलीसा मंदिर, केदारनाथ मंदिर, नवदुर्गा मंदिर, बटुक भैरव मंदिर और कई अन्य मंदिर शामिल हैं। जागेश्वर मंदिर जटागंगा नदी के किनारे 1870 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शिव का मुख्य मंदिर विभिन्न देवताओं के 124 छोटे प्राचीन मंदिरों से घिरा हुआ है। स्कंद पुराण और लिंग पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा जागेश्वर से शुरू हुई थी और 8वें शिव ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति यहीं हुई थी। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य केदारनाथ धाम जाने से पहले जागेश्वर धाम आए थे। जागेश्वर ज्योतिर्लिंग में आपको भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों मिलेंगे। साथ हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं और जागेश्वर के पूरे दर्शन करने के बाद, सारे मंदिरों के दर्शन करने के बाद, अब हम चलते हैं, प्रस्थान करते हैं यहाँ से। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये हमारी आइटिनरी में आता है जागेश्वर धाम। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो जागेश्वर में, तो हम पूरा ओवरऑल पैकेज देंगे, जिसमें हम आपको अकोमोडेशन, रहने का
और खाने का, फूडिंग का, ट्रैवल का, ये सारी चीज़ें हम एक आपको आइटिनरी में प्रिपेयर करके आपको देंगे। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो, आप नीचे दिए गए इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे होम स्टे के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी डिटेल्स हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें हमने ओवरऑल टूर दिखाया है हमारे होम स्टे का। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन के स्पेशली आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।